हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 बेस्ट वैम्पायर मूवीज़ की। और सबसे ज़रूरी, आपको इन सभी मूवीज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहां से आप इन लिंक्स पर क्लिक करना और मूवी को इजीली डाउनलोड कर लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ, लेट अस स्टार्ट। नंबर टेन पर आती है ओनली लवर्स लेफ्ट अलाइव। इस मूवी को रिलीज़ किया गया था 2013 में, जिसका जेना है ड्रामा एंड फैंटेसी। 2 घंटे 3 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 7.3 की रेटिंग दी है। 85% लाइक इस मूवी को रोटेन टोमेटो ने दिया है। 25 मई 2013 को इस मूवी को रिलीज किया गया था और इसकी कास्ट में आपको टेल्डा हिविस्टोन, टॉम हिडलस्टोन देखने को मिल जाएगा। टॉम हिडलस्टोन वही है जो कि मार्वल की मूवीज़ में लोकी का किरदार निभाते हैं। ये काफ़ी अच्छी मूवी है। इसकी स्टोरी इस तरीके से होती है कि इस मूवी में कुछ सदियों पुराने वैम्पायर्स अब फ्यूचर में आके मिलते हैं, तो आप इस मूवी को ज़रूर देखना, वे किस तरीके से मिलते हैं। नंबर नाइन पर आती है 30 Days of Night। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2007 में, जिसका जेना है थ्रिलर एंड हॉरर। 1 घंटे 53 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में 6.6 की रेटिंग दी है और 51% की लाइक इस मूवी को रोटीन टोमेटो ने दिए हैं। 91% की लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स ने दिए हैं। 30 नवंबर 2007 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। नंबर 8 पर आती है प्रिस्ट। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2011 में, जिसका जेना है ड्रामा एंड थ्रिलर। 1 घंटे 47 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 5.7 की रेटिंग दी है और 87% की लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स ने दिया है। 6 मई 2011 को इस मूवी को साउथ कोरिया में रिलीज किया गया था और इसकी कास्ट में आपको पॉल बेटन एंड लिली कोलिंस नजर आ जाएगी। इसकी स्टोरी इस तरीके से होती है कि एक प्रिस्ट अपनी किडनैप हुई बेटी को वैम्पायर से बचाता है, तो आप यह जरूर देखना कि वह किस तरीके से अपनी बेटी को बचाता है। और इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर सेवन पर आती है अंडरवर्ल्ड का पहला पार्ट। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 2003 में, जिसका जेना है फैंटेसी एंड थ्रिलर। 2 घंटे 14 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 7 की रेटिंग दी है। 31% की लाइक इस मूवी को रोटीन टोमेटो ने दी है। 93% की लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दे गई है। 29 सितंबर 2003 को इस मूवी को कनाडा में रिलीज किया गया था। और इस मूवी की स्टोरी इस तरीके से होती है, वैम्पायर्स और वेयरवुल्फ के बीच इस मूवी में जंग सिटी रहती है और इसी के मायने इस मूवी में दिखाए गए हैं। आगे इस मूवी में क्या क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये मूवी, और इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 6 पर आती है अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2012 में, जिसका जेना है फैंटेसी एंड थ्रिलर। 1 घंटे 45 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 5.9 की रेटिंग दी है। 34% की लाइक इस मूवी को रोटीन टोमेटो ने दी है और 92% की लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दे गए हैं। 13 जुलाई 2012 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। इस मूवी की स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और यह मूवी वाकई कमाल की मूवी है। अगर आपने अभी तक यह नई मूवी देखी है तो आपको इस मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे को वहाँ से इजीली डाउनलोड कर लेना। नंबर फाइव पर आती है डार्क शैडोज। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2012 में, जिसका जेना है फैंटेसी एंड थ्रिलर। 1 घंटे 53 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में 6.2 की रेटिंग दी है और 36% की लाइक इस मूवी को रोटीन टोमेटो ने दिया है। 90% की लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए हैं। 11 मई 2012 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था और इसकी कास्ट में आपको जॉनी डीप भी देखने को मिल जाएंगे। आप जानते ही होंगे कि जॉनी डीप कितने अच्छे एक्टर हैं। और इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है कि एक वैम्पायर जो कि जॉनी डीप होते हैं, वह बहुत सालों बाद जाग जाता है और वह अब अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करेगा यह जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी यह मूवी। वाकई बहुत अच्छी और कमाल की एकदम यूनिक स्टोरी है। आपको इस मूवी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ये सभी मूवीज़ हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आपको इन सभी मूवीज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से इन मूवी को ईजिली डाउनलोड कर लेना। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। नंबर फोर पर आती है आई एम लेजेंड। और इस मूवी को रिलीज किया गया था 2007 में, जिसका जेना है थ्रिलर एंड ड्रामा। 1 घंटे 44 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में 7.2 की रेटिंग दी है। 68% के लाइक इस मूवी को रोटीन टोमेटो ने दिए है। 94% के लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए हैं और इसकी कास्ट में आपको विल स्मिथ देखने को मिल जाएंगे। और इस मूवी की स्टोरी इस तरीके से होती है कि विल स्मिथ एक अकेले ही ऐसे इंसान होते हैं जो कि उस समय पृथ्वी पर यानी अर्थ पर सर्वाइव कर रहे होते हैं, क्योंकि रात को वहाँ पर वैम्पायर रहने लगे हैं और सभी इंसान वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। आगे इस मूवी की स्टोरी आप मूवी में ही देखना।
नंबर थ्री पर आती है ट्विलाइट सागा ब्रेकिंग डाउन पार्ट टू। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2012 में, जिसका जेनर है ड्रामा एंड फैंटेसी। 1 घंटे 44 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 5.5 की रेटिंग दी है और 49% के लाइक इस मूवी को रोटेन टोमेटो ने दिए हैं और गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक दिया है 93% के। वहीं इस मूवी को रिलीज किया गया था 23 नवंबर 2012 को इंडिया में और इसकी कास्ट में आपको क्रिस्टन स्टेवर्ट देखने को मिल जाएगी। ये काफ़ी अच्छी मूवी है। नंबर टू पर आती है ड्रैकुला अनटोल्ड। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2014 में, जिसका जेनर है ड्रामा एंड फैंटेसी। 1 घंटे 32 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 6.3 की रेटिंग है। 93% लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए। 30 सितंबर 2014 को इस मूवी को आयरलैंड में रिलीज किया गया था। इस मूवी की स्टोरी इस तरीके से होती है कि एक किंग अमर पाने के लिए और अमर होने के लिए एक ड्रैकुला से हाथ मिला लेता है और वह ड्रैकुला बन जाता है। और आगे आप इस मूवी में देखना कि आगे इस मूवी में होता है क्या, और इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर वन पर आती है वैन हेलसिंग। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2004 में, जिसका जेनर है ड्रामा एंड फैंटेसी। 2 घंटे 26 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 6.1 की रेटिंग दी है और 93% के लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स ने दिए हैं। इसकी कास्ट में आपको ह्यूज जैकमैन देखने को नजर आ जाएगी। ह्यूज जैकमैन वही बंदे हैं जो कि मार्वल की फिल्मों में वुल्वरीन का किरदार निभाते हैं। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसकी स्टोरी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, और इस मूवी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों हमसे कोई मूवी मिस हो गई तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, और अगली वीडियो का टॉपिक भी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्त।